रक्षाबंधन भाई बहन के बीच अटूट प्रेम की डोर का त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई सूनी नहीं रखती तो जेल में कैद भाई की कलाई कैसे सूनी रहती। इसलिए कटनी के जिला जेल में बहनों का सैलाब उमड़ पड़ा और सभी बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधी। भाई बहनों के बीच प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया गया। वहीं कटनी जेल में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। प्रशासन की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच बहनें जेल में कैद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। भाई बहन के चेहरों पर खुशी और भावुकता साफ नजर आई। कटनी के जेल अधीक्षक प्रभात चतुर्वेदी ने बताया कि जेल में रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए गेट से लेकर अंदर पहुंचने तक 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी और व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखा गया था। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए जो बंदी भाई जेल के अंदर निरुद्ध है, उनकी बहनें उनको प्रत्यक्ष रूप से मिलके राखी बांध सके, इसके लिए हमने खुली मुलाकात का आयोजन यहाँ पे किया हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात उनकी सघन तलाशी की जा रही है और इसके पश्चात ही उनको अंदर जेल में प्रवेश दिया जा रहा है, जहाँ वो अपने कैदी भाइयों से राखी बांध सके। उप जेलर ममता तिवारी ने बताया कि रक्षाबंधन का ये पर्व पूरी भावनाओं के साथ जेल में मनाया जा रहा है। बहनों का सैलाब आज यहां आया हुआ है। आज भाइयों की सूनी कलाई में राखी बांध सभी बहनें खुश हैं। भाई बहनों के प्रेम और सौहार्द का प्रतीक ये रक्षाबंधन जेल में भी अपनी पूरी जिस भावनाओं के साथ मनाया जा रहा है, आप देख ही सकते हैं। माताओं बहनों का सैलाब आया हुआ है आज जेल पर। उनके लिए यथासंभव व्यवस्था की गई है कि एक बंदी से मिलने उनकी 3 बहनें और परिजन आ सकें जी। अब तक लगभग 200 भाइयों की सूनी कलाई पे राखी बन चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।